हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है सबका अपने साइड एक वीडियो में। दोस्तों हाजिर है आपका अपना टेक्निकल बंदा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। गाइस, वेबसाइट बनाने का सपना हर किसी का होता है। अगर आप वेबसाइट अपनी बनाने जाओगे, अगर आप यूट्यूबर हो तो आप सोचते हो यार कि मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ, या अगर आप एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपकी छोटी सी शॉप है, आपकी छोटी सी इंस्टीट्यूशन है, आपका छोटा सा स्कूल है, तो गाइस सबकी इच्छा होती है कि हम वेबसाइट बना के ग्रो कर लें। क्योंकि वेबसाइट जो होता है वो ग्लोबली होता है, और ग्लोबली हमें कस्टमर तक या किसी तक पहुँचने में बहुत आसानी होती है। तो गाइस अगर आप जब वेबसाइट बनाने जाओगे तो होगा क्या, गाइस स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट की कुछ नॉलेज नहीं होती है, तो अगर आप किसी वेबसाइट डेवलपर के पास जाओगे तो आपको बहुत सारे पैसे मांग लेगा, या नियर अबाउट कम से कम मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये आपको वेबसाइट के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। और लेकिन होता क्या है गाइस, एक साल में लोग वेबसाइट को बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और दूसरी गाइस काफ़ी कॉस्टली होता है और उनको पता नहीं था कैसे क्या करना है, इसलिए वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हो। चौकी ने गाइस, एक रुपए भी आपको नहीं लगने हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी वीडियो होगी, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे वेबसाइट बना सकते हो, और पेज कैसे बना सकते हो, वेबसाइट की एडिटिंग कैसे कर सकते हो, उसमें थीम कैसे डाल सकते हो, और कैसे पोस्ट कर सकते हो। अगर गाइज ये मेरी सीरीज सक्सेसफुल रही, आप लोग का सपोर्ट रहा, अगर आप लोग ने कमेंट्स करके मुझे कहा कि नहीं इसके आगे का भी पार्ट चाहिए, तो मैं इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ रिलेटेड टू द वेबसाइट डेवलपमेंट। तो चलिए गाइज, आप एक फन के लिए या अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, या अगर छोटे मोटे मर्चेंट हो तो आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। कैसे करना है, कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करने, ये सब चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो में कहीं मत जाना, वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको जेन्युइन लगे तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा पीरजुला। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपकी भाई की वेबसाइट पे theTechnicalBanda.com। आप लोगों को पता होगा यहाँ हमने एक पोस्ट डाला है, सिंपली उस पोस्ट पे जैसे क्लिक करोगे ना, इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे profreehost.com। यहाँ आपको रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट बनाना है। सिंपल तरीके से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के टिक मार देना है। चलिए मैं कोई भी अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेता हूँ। जैसे डाल दोगे एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा। आपको वापस अपने जीमेल अकाउंट में जाना पड़ेगा। जीमेल में आने के बाद आपको अपना अपडेट्स चेक करना पड़ेगा। एक ईमेल आया होगा एक्टिवेट अकाउंट्स का, आपको सिंपली उस पर टैप करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। थोड़ी देर में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ये आपके स्क्रीन पर शो होने लगेगा कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है गाइस, कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक आपको ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा क्रिएट न्यू अकाउंट का, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे टैप करोगे ना थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा कि आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है तो किस नाम से। चलिए मैं एक नाम लिख देता हूँ, NECH जो कि हमारे संस्था का नाम है। यहाँ फ्री है तो दो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इन दोनों में से कोई एक भी चूज कर सकते हो। चलिए मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, और खास बात यह कि इसमें आपको .com मिलेगा। .com मतलब कॉमर्शियल। इन फ्यूचर में कस्टम डोमेन कर सकते हो, अगर आप इससे रिलेटेड कोई डोमेन खरीदना चाहते हो, जैसे NECH.com डायरेक्ट हो जाए, जो बीच का नाम आ रहा है UNAUX वो ना आए, तो वो भी कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल NECH डाल के हम टिक मार देते हैं, और गाइज इसके बाद देख सकते हो हमारा जो डोमेन है वो लाइव हो रहा है। थोड़ी देर में हमारा जो डोमेन है वो लाइव हो जाएगा, देन आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करोगे दिखा रहा है क्रिएट हो रहा है आपका वेब पेज, यहाँ आप पेज को रिफ्रेश कर दो, ऑटोमेटिकली कंट्रोल पैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। F5 करके रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ कुछ इनके टर्म एंड कंडीशन है जिनको आपको अप्रूव करना पड़ेगा, तो आई अप्रूव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। देख सकते हो आप जो पैनल में हो वो सक्सेसफुली इंटर कर चुके हो। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा देर लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपको आपका URL मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, हमें अपना WordPress इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर, तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ और नीचे आना, बाकी सारी सेटिंग आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगी। यहां आपको मिलेगा ऐप इंस्टॉलर का ऑप्शन, यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहां पे आपको अब इंस्टॉल करना है अपने इसके अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, सिंपली इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहां पे आपको डोमेन नेम मिल गया आपका NECH.UNAUX.com जो कि हमारा लाइव हो चुका है। अब आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे ना, आपको आपका आईडी पासवर्ड फिल करने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहां से कस्टम इंस्टॉल करोगे तो सेटिंग चेंज कर सकते हो। फिलहाल हमें यहां पे अपने एडमिन का आईडी पासवर्ड चूज करना है जिसके थ्रू हम अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। तो हमने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया और सिंपली इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देख लो थोड़ी देर में आपका जो डेटा है वो 100% सबमिट हो जाएगा और आप वर्डप्रेस पे ट्रांसफर हो जाओगे।
अभी हमारा डोमेन दिख रहा है कि अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूआरएल क्या है और अगर आपको वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है तो वो क्या। चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हुआ है कि नहीं। तो हम अपने वही यूआरएल यहां पे पेस्ट करके एंटर मार देंगे और बूम गाइस हमारा वेबसाइट जो वो लाइव हो चुका है। अब हमें अगला पार्ट आता है कि हम इस पर कैसे एडिट करेंगे। वेबसाइट बन गया फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े, तो एडिटिंग के भी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सिंपली अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल को कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो। आप अपनी वेबसाइट के बाद /wp/admin लिख के भी आप लॉगिन आईडी कर सकते हो। जो वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है यहां पे डाल के लॉगिन आपको कर देना है। तो गाइस आईडी पासवर्ड भूलना मत, कहीं नोट डाउन कर लेना। तो गाइस जैसे क्लिक कर दोगे ना यहां पे आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सारे चेंजिंग एडिटिंग सब कुछ आपको यहीं से करना है। जो भी आप एडिटिंग करोगे आपके वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। सबसे पहले कुछ चीजें बताता हूं, यहां से प्लगइन है। फिलहाल हमें प्लगइन्स की जगह हमें अपने वेबसाइट पे फ्री थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए हम थीम इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा कहां पे, आपको आना पड़ेगा अपीयरेंस में। तो चलिए अपीयरेंस में आ जाते हैं और थीम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस बहुत सारे थीम आपको फ्री मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो भी थीम आपको वो सर्च कर लेना है। अगर ये थीम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक कर दोगे ये एस्ट्रो वाला थीम मिल जाएगा, मेरा फेवरेट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा आप सर्च करना, आपको हर एक टाइप का मिल जाएगा। अगर आप फूड लवर हो तो फूड, और अगर आप फैशन से रिलेटेड हो तो फैशन वाला, टेक से रिलेटेड हो तो टेक वाला, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, सब कुछ। और गाइस सबसे अच्छी बात है कि आप इस पर एडसेंस भी इनेबल कर सकते हो, वो फ्यूचर की बात है, वो आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी देख लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद है गाइस आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, हर तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मैं सिंपली कोई भी एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को प्रीव्यू के लिए दिखा सकूं कि आगे क्या करना है। जैसे इंस्टॉल क्लिक करोगे थोड़ा समय लगेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा थीम आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका थीम जो एक्टिवेट हो जाए। अब आपका जो थीम है ना वो एक्टिवेट हो चुका है, देख लो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ से भी नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन दिया, कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज पे से क्लिक करोगे तो कैसे क्लिक कैसे एडिट करना है, सिंपली जिस चीज़ को भी एडिट करना है ना आपको वहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। फिलहाल आ जाते हैं थोड़ा सा बगल में, एक प्लगइन्स डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। इससे क्या होगा आप अपने वेबसाइट को अच्छे तरह से कस्टमाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड न्यू में आना है और सर्च करना है, जो मैं लिख रहा हूँ वही हूबहू आपको वही लिखना है, ELEMENTORY एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर एक प्लगइन्स होता है जिसके थ्रू वेबसाइट अच्छे से बिल्ड हो जाती है, अच्छे तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हो। चलिए इसको इंस्टॉल करके एडिट एक्टिवेट कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस ये कुछ आपको क्विक ओवरव्यू देगा, बस फिलहाल आप चाहो तो डायरेक्ट भी एडिट कर सकते हो। अब बताता हूँ कैसे आपको पेज पोस्ट करना है, उससे पहले कैसे वेबसाइट कस्टमाइज करना है वो देख लेते हैं। तो कस्टमाइज और वेबसाइट पर जैसे क्लिक करोगे ना फिर क्या करना है, आपका जो वेबसाइट का होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो एडिट करना बहुत ही ईजी है, ड्रॉप एंड ड्रैग है। सिंपली जिस चीज़ को एडिट करना है आप उस पर डबल क्लिक कर दो, एक पेंसिल वाला निशान देखने के लिए मिलेगा, उसको आपको क्लिक करके आप उस पर चेंज कर सकते हो। चलिए हम अपने हेडर को चेंज कर लेते हैं, माई ब्लॉग लिखा हुआ है। जैसे क्लिक करोगे सारी चीज़ें कलर्स सब कुछ सामने दिया हुआ, कैसे कर सकते हैं कलर चेंज, तो बस यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। जैसे मैं अपनी अभी इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देता हूँ, न्यू एक्सलेंट कंप्यूटर एकेडमी, तो ये हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारे जो ना लोगो लगाना है एडिटिंग करना सब कुछ आप थोड़ा सा इससे काम करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। देख लो हमारा जो चीज़ है वो एडिट हो चुका है। इसी तरह नीचे बाकी भी चीज़ें आप एडिट कर लोगे, एक आध दो एडिट मैं और कर देता हूँ। साइज आपके हाथ में, फॉन्ट कलर सब कुछ आपके हाथ में है। तो गाइस देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हो। करने के बाद आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कैसे क्या एडिट करना है, क्या करना है आपको चीज़ों को। तो गाइस अब चलिए आगे चीज बताता हूँ। अब पेज को अपने रिफ्रेश कर ले, देख लो जो हमने एडिटिंग किया ना वो यहाँ पे विजिबल है। फिलहाल कस्टमाइज में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ना कैसे और चीज़ें कस्टमाइज करते हैं। फिलहाल आज ही अपने डैशबोर्ड में, और अब बताता हूँ कैसे आप पोस्ट लिख सकते हो। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर जैसे क्लिक करोगे एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, सिंपल सा इंटरफेस है। जो यहाँ पे लिखोगे ना वो आपके वेबसाइट पे शो होगा। अब सबसे पहले आपको अपना टाइटल लिखना है कि आपको किस बारे में पोस्ट लिखना है इसके बारे में। चलिए हम ऐड टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। कुछ भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो चलिए आप लोग के लिए एक काम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि क्या लिखता हूँ, लिख देता हूँ
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यार सच में यार सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। देख लो कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो और भी मैटर लिखना है वो मैटर आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक लगाने का ऑप्शन मिलेगा, देख लो सारी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर लिंक लगा सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लिंक, मतलब अगर अपने यूट्यूब का वीडियो का लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सारी एडिटिंग सारी कस्टमाइजेशन यहाँ दी हुई है। यहाँ पे करने के बाद आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, ये जो आपका पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर। चलिए अपनी वेबसाइट हम अपना खोल लेते हैं गाइज। ये हमारी वेबसाइट जो हमने देखो यहाँ पे पोस्ट लिखा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। चलो पोस्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं, जो अंदर मैटर है वो भी है। कोई कमेंट करेगा तो डायरेक्ट आपके वर्डप्रेस के जो ब्लॉग है उस पर शो करेगा कि किसी ने आपको कमेंट किया या कुछ भी किया है। तो गाइज ये मेरी कोशिश थी छोटी सी आप लोगों को बताने की। गाइज अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इसका और सीरीज बनाऊंगा, तो कमेंट्स करके बताना। A few moments later. तो गाइस देखा कोशिश किया था शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से चीजों को बताने के लिए। बाकी जो चीजें समझ में ना आए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो टेक्निकल बंदा वन, ट्विटर इंस्टाग्राम फिर दोनों फॉलो कर लो, मिलूंगा टेक्निकल बंदा वन नाम से, वहां पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप चाहते हो मैं इसका पार्ट टू बनाऊं या ना बनाऊं कमेंट्स करके मुझे बता देना। बस गाइस दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सीखते रहिए।